नमस्कार। तो आज की वीडियो ना ही किसी इंग्लिश टॉपिक पर होने वाली है और ना ही कोई मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, बल्कि आज की वीडियो होने वाली है केस स्टडी पे। आज मैं उस महिला के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसकी माँ ने खुद उसको कहा कि ये तो आगे चल के 10 लड़कों के साथ सोएगी। आज मैं उस महिला के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसके नाम का लोगों ने मजाक उड़ाया और उसी नाम के साथ उस महिला ने सफलता का परचम लहराया। तो आज मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश विद देहाती मैडम। जी हाँ, इनका यूट्यूब पर एक चैनल है और ये इनके 1.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और ये लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाती है। और मजे की बात तो ये है कि इन्होंने खुद इंग्लिश बोलना यूट्यूब की वीडियो से देखकर सीखा हुआ है। इनका जन्म 1994 को यूपी के एक छोटे से गाँव में हुआ। उत्तर प्रदेश और पहले बहुत सारे ऐसी रिवाज थी कि बेटियों को नहीं, मतलब कि प्यार किया जाता था और उनको नहीं चाहा जाता था। ठीक उसी तरह से इनके भी माता पिता बेटी नहीं चाहते थे बल्कि बेटा चाहते थे। तो जैसी ही बेटी हुई तो इसके माता पिता पूरे तरीके से निराश हो गए। उन्होंने क्या किया कि उसको मारने का फैसला बना ही लिया था, मगर इसकी फुआ और फूफा ने बोला कि इसे मुझे दे दो। अंत में उसकी फुआ फूफा ने उसे गोद ले लिया और उसे पढ़ाने लगे। सबसे अच्छी बात ये इंग्लिश विद देहाती मैडम की जो है कि वो इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन इनकी स्कूल की पढ़ाई 12th तक की एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। किसी तरह 12th पास करने के बाद इसने ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया और उसी बीच इसे एक लड़के से प्यार हो गया। जब इसे प्यार हो गया तो इसने इस बात को अपने फुआ फूफा को बताया। जब फुआ फूफा ने को बताया तो इसका जो बेटा था फुआ फूफा का, इसका जो भाई था, उसने इसे बहुत मिसगाइड किया और बोला कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है और उसे कैरेक्टरलेस बता के उसे घर से निकलवा दिया। माँ बाप ने तो पहले ही सहारा छोड़ दिया था, फुआ फूफा उसका साथ दे रहे थे, उसने भी उसका सहारा छोड़ दिया। लड़की पूरे तरीके से डिप्रेस हो चुकी थी, मगर कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो निभाने वाले ना ही हालात के साथ बदलते हैं ना ही जज्बात के साथ बदलते हैं। इस लड़के ने उसका हाथ थामा, लड़की ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, मगर लड़का 8वीं तक ही पढ़ा हुआ था। अभी खराब समय शुरुआत हुई नहीं थी, अब खराब समय शुरुआत होने वाली थी। जब दोनों ने शादी करके अपने माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा तो उसने साफ इनकार कर दिया अपनी बेटी, ये मेरी बेटी है बोलकर, और साथ ही साथ ये भी कह डाला कि ये तो आगे चल के 10 लड़कों के साथ सोएगी। इतना बुरा असर पड़ा उसके दिमाग पे कि उसने ठान लिया कि आज के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने जिसे शादी किया वही मेरा हर सब कुछ है। वो उसके साथ चले गए और ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होने की वजह से दिहाड़ी मजदूरी करते थे। और जो इंग्लिश विद देहाती मैडम है वो अपना घर में, यशोदा नाम है उनका, यशोदा मैम अपने घर में खाना वाना बनाती थी और अपना हाउस वाइफ का वर्क करती थी। लेकिन बोलते हैं ना कि जब भगवान दुख देता है तो वो भी छप्पड़ फाड़ के और सुख देता है तो वो भी छप्पड़ फाड़ के, शायद भगवान को परीक्षा लेने की और सूझी थी। क्या हुआ कि 2019 में इनके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि दिन भर में बस एक टाइम खाना खाना पड़ता है और 2 टाइम पानी पीकर गुजारा होता है। लेकिन इतने में भी इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और ना ही हिम्मत हारे। थोड़ी सी दिन बदली, दीपावली का दिन इनके लिए लाइफ चेंजिंग का, शायद लक्ष्मी माता की कृपा इनके पास होने वाली थी। उनके यशोदा मैम के हाथ में एक स्मार्टफोन आया और यहीं से उनकी जर्नी चालू हुई। बोलते हैं ना कि हर सिक्कों के दो पहलू होते हैं। चाहती तो ये उस मोबाइल का गलत यूज कर सकती थी और अपना टाइम पास कर सकती थी, मगर इन्होंने अपना टाइम को इन्वेस्ट किया, मोटिवेशनल वीडियोस देखी, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देखी और एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो देखी। इनको इन सब वीडियो देखकर ये चीज तो समझ आ गया था कि अगर आपको आगे चलकर पैसे कमाने तो आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो दुनिया पूछेगी कैसे हैं, वरना खुद के माँ बाप भी साथ नहीं देते हैं। आगे चल के इन्होंने इंग्लिश सीखने की ठानी और यूट्यूब से रिलेटेड काफी मेहनत किए और मेहनत यहीं तक खत्म नहीं हुई, उसके बाद काफी मुश्किलों से इंग्लिश सीखा। अब पारी आई वीडियो बनाने की, इन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट किया। चैनल क्रिएट करने के बाद आपको पता होगा ट्राइपॉड, एक अच्छे माइक, वीडियो एडिटिंग, ये सब बहुत मुश्किल होता है। जो लड़की कभी स्मार्टफोन नहीं छुई थी, कई बार आजकल की बहुत सारी लड़कियां बोलती कि मुझे ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, उनके लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि उन्होंने कभी स्मार्टफोन तक को छुआ नहीं था लेकिन वो सीखी, क्योंकि उनके अंदर करने का एक जुनून था। वो बोलती है
कि मुझे बचपन में सपने आते थे कि मैं उड़ रही हूँ, शायद ये सफलता की उड़ाई थी कि वो उड़ रही थी। उसके बाद उन्होंने सारे चीजों को सीखा और वीडियो अपलोड करना चालू किया। स्ट्रगल यहीं पे खत्म नहीं हुआ, लोगों ने मजाक बनाया, मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उनके पति ने भी कह दिया कि मतलब क्या कर रही हो, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है आप जो काम कर रहे हो करो और मैं अपने दिन भर का एक घंटा निकालकर इस पे दूंगी। बोलते हैं ना कि मेहनत जब जी तोड़ हो तो सफलता आपके पैरों को चूमेगी ही चूमेगी। आज इनके नाम का शोर इस कदर है कि इनका जो नाम है लोगों का एक मजाक का पात्र नहीं बल्कि एक इतिहास का पात्र बन चुका है। आज बड़े बड़े यूट्यूबर इनका नाम ले रहे हैं और साथ ही साथ इनको जोस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया गया और इनकी महीने की इनकम 80,000 से 1 लाख तक महीना इनकम आती है, जो इन्होंने खुद जोस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे बोला। तो यही है एक छोटी सी इनकी स्टोरी और इनकी केस स्टडी। हर उन लड़के और लड़कियों के लिए ये एक मोटिवेशन है। क्यों? जो कहते हैं कि मेरे पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी या फिर मेरे पास ये करने को नहीं था। अगर इनकी स्टोरी आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो जोस्टॉक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिन पे इन्होंने वो मोटिवेशन किया। और इस वीडियो को हर उस लड़कियों तक और लड़के तक पहुंचाए जो बहाना कहते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ये सारी चीजें और ये सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। ये उनका परफेक्ट एग्जाम्पल है और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि वैसे सारे लोग और मैं भी, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो सारे लोगों को कहना बहुत आगे तक लेके जाए। अगर आपको ये केस स्टडी मजा आई हो ना तो आप कमेंट सेक्शन पे बताना, मैं ऐसे ही केस स्टडी आपके लिए जरूर लाऊंगा। थैंक यू।